आंटी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा वानी, पूछो ना, क्या पूछना था? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे गुरुदेव से मिलना है? कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। आंटी जी, वो बात ये है ना कि मेरी एक फ्रेंड है शारदा, और वो बहुत सालों के बाद ना मुझसे मिलने आ रही है इंडिया, तो मैं उससे मिलने जा सकती हूँ क्या? प्लीज़ आंटी जी, मेरा बहुत मन है जाने का। अच्छा अच्छा, तुम्हारा इतना ही मन है जाने का, तो तुम चली जाओ, लेकिन रात के 8 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही है 8 बजे हमारे घर पर पार्टी है, तो संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। थैंक यू आंटी जी, आप बिल्कुल मेरी मॉम जैसी हो, केयरिंग एंड स्वीट। अरे अरे, तेरी माँ जैसी नहीं हूँ मैं, तेरी माँ ही तो हूँ। अच्छा आंटी जी, मैं ना चलती हूँ, बहुत देरी हो गई है, कहीं इसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, मेरी दोस्त आज ही चली जाएगी वापस अमेरिका, तो मैं जाती हूँ। हाँ हाय, कितनी सोनी कुड़ी है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या हुआ? सॉरी सॉरी, ये आवाज कहीं तो सुनी है मैंने, लेकिन कहाँ सुनी है? खैर छोड़ो, वैसे वो लड़की थी कौन? उससे पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा मैंने, उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, देख ही नहीं पाई। खैर छोड़ो ये सब,